सभी को सादर नमस्ते। मैं सुश्री मनोरमा साहू इंदौर मध्य प्रदेश से आपके समक्ष अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र के अपने कुछ अनुभवों को रखने का प्रयास कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं दर्शन योग महाविद्यालय के योग संस्थापक योगनिष्ठ तपोनिष्ठ स्वामी सत्यपति जी के चरणों में नमन करती हूँ एवं उनकी योगस्थ तृतीय पीढ़ी के निष्णांत आचार्य ईश्वरानंद जी के हृदय से आभारी हूँ। हम सभी ने आर्यवन के जिन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन किया, भूमि को स्पर्श करते चीकू के पेड़, चंदन के सुरभित वृक्ष, गिर गायों के नवजात बछड़े इत्यादि, इन सब में ईश्वरीय रचना के साथ ही स्वामी सत्यपति जी का तप एवं पुरुषार्थ की दृष्टि गोचर होता है। लॉकडाउन के संकट काल में जब संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी के संक्रमण से त्रस्त है, मृत्यु के भय से भयभीत एवं स्तब्ध है, तब अध्यात्म जागृति इंटरनेट सत्र के प्रशिक्षणार्थी मंत्रमुग्ध थे। ईश्वर जीव व प्रकृति के विभेद को जानकर मृत्यु के तत्वज्ञान का बोध करते रहे, आत्मा की नित्यता का ज्ञान एवं संसार और शरीर की अनित्यता की परिचय पाते रहे। परमपिता परमात्मा का असीम आनंद पाने के लिए मोक्ष के राजमार्ग पर ले चलने का स्तुत्य प्रयास हमारे आचार्य जी निरंतर करते रहे। कभी वैराग्य के गीत गाकर हमें समझाने का प्रयास किया, तो कभी मंत्रों की मधुर ध्वनि की घंटियों से जगाने का प्रयास किया, कभी ध्यान की गहन गुफाओं में ले जाकर उस स्पष्ट नियंता की आनंद रस में विभोर किया। अधिक आयु वर्ग के लिए यह सत्र आत्मविश्लेषण एवं उन्हें झकझोरने के लिए विवश करता है। डिजिटल इंडिया की दिग्भ्रमित युवा पीढ़ी के लिए यह सत्र एक प्रकाश स्तंभ का, लाइट हाउस का कार्य करेगा, ऐसा मैं मानती हूँ। सार्थक जी जैसे युवा बालकों को तराश कर आचार्य जी जैसे वैदिक प्रवक्ता हमारी ऋषि भूमि भारत भूमि को चिरकाल तक धन्य करते रहें, ऐसी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ।